मित्रों ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम श्री हनुमान अंक के अंदर अपने हिंदुस्तान में जितने भी श्री हनुमान जी मंदिर हैं उन सभी का वर्णन इसमें दिया हुआ है लगभग लगभग। तो आज हम आपको तुलसी मंदिर के बारे में बतलाने जा रहे हैं। इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 423 पर क्या लिखा हुआ है। हम आज के बाद आपको हनुमान जी के जो विग्रह हैं और मंदिर हैं उनकी भी थोड़ी थोड़ी वीडियो डालेंगे इस प्रकार से। तो तुलसी मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी से संबंध में यह स्थान गंगा किनारे तुलसी घाट पर स्थित है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थली भी है। तुलसी घाट का तुलसी मंदिर गोस्वामी जी द्वारा अनुप्राणित है। गोस्वामी जी की चरण पादिका उनकी नौका का एक खंड और उनकी साधना स्थली यहाँ आज भी सुरक्षित है। गोस्वामी जी के इस स्थान का भवन 400 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामाज तीज शनि तुलसी ज्यों शरीर, यह घटना इसी स्थान की है। तुलसी घाट के इस पवित्र स्थान पर एक बालक रूप श्री हनुमान जी हैं जो गुफा के हनुमान जी नाम से प्रसिद्ध हैं। यह गोस्वामी जी को जैसे दर्शन दिए थे उसी रूप में विराजमान हैं। दक्षिणामुख होने से यह अधिक प्रतापी माने जाते हैं। इन्हीं हनुमान जी के समक्ष एक बीसा यंत्र है जिसका चरणामृत लगातार 40 दिनों तक पान करने से बहुत लाभ होता है। मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री किशोर जी एवं लखन लाल जी के साथ विराजमान हैं। विराजमान मंदिर में क्षेत्र में श्री हनुमान जी की तीन और मूर्तियां हैं जो क्रमश पूर्वामुखी पश्चिमुखी एवं उत्तरामुखी हैं। इस स्थान पर नित्य कथा होती है। अन्य उत्सवों के अतिरिक्त श्री तुलसीदास जी की जयंती एवं निधन एवं महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुफा के हनुमान जी श्री राम एवं श्री राम जी का मंगल चरित्र सुनने से अतीत प्रसन्न होते हैं। अनेक लोगों ने यहाँ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के पाठ अनुष्ठान एवं आतिशी लाभ प्राप्त होता है। बोलिए बालाजी महाराज की जय।